हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक कैसे होंगे। तो जी बॉयज़, वेलकम बैक टू आर चैनल। आज काफ़ी देर के बाद हमने चैनल वापस आ चुके हैं, तो काफ़ी देर से गायब थे, कुछ वजह थी, कुछ मसरूफ़ था मैं। तो ये पीछे आवाज़ आ रही है, इसको आपने इग्नोर करना है। तो मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। सबसे पहले गाड़ी ये खड़ी हुई है, तो गाड़ी ये काफ़ी बुरे हालात है, काफ़ी देर से खड़ी हुई है। इसके ऊपर मिट्टी आप देखें कितनी ज़्यादा जम चुकी है। तो बम्पर भी सारा इसका उखड़ा पड़ा है, काफ़ी नाजुक हालात हैं इसके बम्पर के। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं ये बम्पर की क्या स्टोरी है। ये बम्पर ये ना बेसिकली उतर गया इसमें, फैसला पर गया हुआ था। तो जाने से एक दिन पहले ना मैंने इसके हॉर्न ठीक करवाए थे, तो उससे पहले ये बम्पर उसने सही कसा नहीं और ये उतर गया। तो और मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, अंदर से भी आप देख सकते हैं मिट्टी में मिट्टी हुई पड़ी है सारी। तो एक दिन सारा दिन लगा के इसको वॉश वगैरह करेंगे और देखते हैं। अच्छा यार, बेसिकली आज जो मैंने करना है ना, वो मैंने इसके व्हील कैप्स लेने हैं। ये वाले मुझे पहले मिल नहीं रहे थे, लेकिन एक बंदे से मुझे मिले हैं। होप्स हो कि वो जेन्युइन हो, अगर जेन्युइन हो तो अच्छी कंडीशन में हो। ये आप देख रहे हैं, इनको ना ज़रा रगड़े वगैरह लग गए हैं, तो ये काफ़ी बुरे लग रहे हैं। तो मैंने कहा ये शायद चेंज कर दें, ये वाले संभाल के रख लेंगे, नए लगा देंगे। तो चलें चलते हैं। गाड़ी निकालने लगा था, लेकिन उससे पहले घर वालों ने काम किया दिया, तो पहले वो काम करते हैं, तो उसके बाद गाड़ी लेके चलते हैं और वो अपने व्हील कैप्स लेके आते हैं। ये पर्दा ज़रा कर दें। अरे यार, ये पर्दा लगाने का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं सामने से, जो सामने से डायरेक्ट यानी जो सूरज है ना, वो यहाँ पर गाड़ी के ऊपर पड़ता है, तो वो फिर समझ सकते हैं आप क्या होता होगा उसके साथ। तो सारा अंदर से मेरा कार्ड लगा हुआ, अंदर वो पिघल गया था अंदर बेसिकली। तो मैं आपको दिखाता हूँ जब अंदर बैठता हूँ। तो चले चलते हैं। ये खड़ी अपनी बाइक, फाइनली अब फ्री हो चुका हूँ मैं। तो चलें चलते हैं, गाड़ी आके साफ करेंगे अभी साफ। चल जाके देखते हैं आज। तो अंदर से भी काफ़ी अच्छा यार, ये मैं दिखाना चाह रहा था, ये आप कार्ड देख सकते हैं ऊपर से काफ़ी ज़्यादा पिघल गया। खैर कोई नहीं, इसका कौन सा इसी पहले यार। तो व्हील कैप्स लेने हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से लिए हैं। और हैं इसके साथ की बस, उसने मुझे ये नहीं बताया जेन्युइन है या यानी क्या, वो तो जाके देखते हैं। तो चलें चलते हैं। और रवि मैंने देखा है वो टायर्स वाली शॉप बंद है, मैं दिखाता हूँ आपको। वो आप देख रहे हैं ये जो कैरी डब्बा खड़ा हुआ है, इसके साथ वो जो शॉप है ना, वो वाली शॉप है। तो अभी कॉल करते हैं भाई को, देखते हैं वो कितनी देर तक आते हैं, कितनी देर गाड़ी में वेट करते हैं। तो आज व्हील कैप्स लेके जाने हैं इंशाल्लाह। मैं बड़े दिन से सोच रहा था यार इसके नए व्हील कैप्स ले लेते हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहे थे यहाँ से। उन्होंने यानी मैं यहाँ से गुजरा एक दिन, तो मैंने उनके पास देखे, तो मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं हाँ सेल के लिए आप ले लें, अगर आपने लेने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ले लेता हूँ, मुझे तो इसमें कोई नहीं है। तो अभी मैं आया हूँ, अभी शॉप बंद है, तो मैं करता हूँ उनको फ़ोन। तो होप्स हो गए अभी जल्दी आ जाते हैं और आराम से उनसे लेके चलते हैं। अच्छा, वो सी एफ के व्हील कैप सेल तो नहीं हुए? ये व्हील कैप सी एफ के अभी यानी सेल तो नहीं ना हुए? नहीं अभी सेल नहीं। ये कितने के थे? कितने के? 500 का है। चारों जानवर? हाँ बिल्कुल जानवर है चारों। पेड़ यानी वही है सब चीज़? पेड़ तो पिछले में कह सकते हो जो है जानवर है, हर चीज़ क्लियर है, कोई खराब की खराब नहीं है। असल में मैं मुकम्मल सेट ले आज में, टायर रिम ये व्हील का। हाँ कंडीशन तो पता जा रहा है, वैसे मिट्टी वगैरह लगी हुई है। हाँ मिट्टी लगी हुई है, बताया बिल्कुल है। और जैसे हम रेम में गए जाए, मैं रेम में जाते हैं। यार फाइनली व्हील कैप्स ले लिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये पड़े हुए हैं। तो बाय द वे दिस इज़ जेन्युइन, और ये अभी तक पेंट भी नहीं हुए, ना इनमें कोई क्रैक है और ना ये रिपेयर हुए हैं, ये अभी तक टोटल जेन्युइन है।
तो मेरी गाड़ी की भी जेन्युइन है, लेकिन उनकी ज़रा हालत थोड़ी सी ख़राब है। तो चलें अब चलते हैं, इनको ज़रा जाके साफ सूफ करते हैं और लगाते हैं। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले दो, यानी पिछले दो तो ठीक है, वो यानी उनके ऊपर कोई इतने ज़्यादा निशान नहीं है, अगले दो ज़्यादा ख़राब हुए हैं तो उनको उतार के रख लेते हैं और दो ये लगा देते हैं। यानी तो जब पिछले होंगे तो, या एक दफ़ा सारे चेंज करते हैं, समझ नहीं आ रही अभी कुछ, अभी जाके देखते हैं, इनको ज़रा साफ़ वगैरह करते हैं। तो इनकी मैं आपको प्राइस बता दूँ, तो ये मिला है मुझे 2000 रुपीज़ के, चार पीस और जेन्युइन। तो मैंटकुमरी रोड से मैंने पूछे थे तो लोकल जो थे वो 1500 के मिल रहे थे। यानी ना उनकी कोई क्वालिटी थी उनके, यानी जो सुराख थे वो भी उनका, यानी कोई ऐसा सच नहीं कि वो फिट हो सही और उसके अंदर हिले ना। बेसिकली ये लगते हैं नट्स के साथ, जो बाकी आते हैं वो होते हैं, उनके अंदर होती है यानी क्या कहते हैं यार उसे, वो क्लॉक वाइज उसको घुमाते हैं तो फिर वो लगते हैं। तो ये लगते हैं ऐसे ही, तो इनको नट्स के साथ लगाना पड़ता है व्हील के साथ। तो चलें चल के लगाते हैं। तो यार मैं घर पहुँच चुका हूँ और चलें इनको चल के साफ वगैरह करते हैं, पकड़ने इनको। चलो और मैं आपको ये वाले दिखा देता हूँ, ये वाले इनके ऊपर कोई निशान नहीं है, और आप ये अगले वाले देख लें, इनके ऊपर बड़े यार स्क्रैचेस वगैरह पड़े हुए हैं, ये पता नहीं क्यों पड़े, जिनसे मैंने ली थी तब के ही पड़े हुए। खैर कोई नहीं, ये अब लगा देते हैं। चलो भाई आज का काम ख़त्म, अगर जाना होगा तो फिर निकाल लेंगे इसको। तो चलें इनको करते हैं साफ वगैरह। तो यार मैं ज़रा एक का खोल के चेक कर लूँ कि मेरे वाले जेन्युइन है भी या नहीं है, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। या पाना शाना सब कुछ निकाल लेते हैं, ये पड़ा होगा बस इसी की ज़रूरत है, मैं और किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। लग जाए इसमें, हाँ लग जाए। चलो ओके अब दूसरे की बारी। मैंने दोनों यानी व्हील कैप अगला खोल लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं, और दोनों मैंने रख लिए यहाँ पे। तो इन दोनों में ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये ज़रा आपको थोड़ा ब्लैकिश ब्लैकिश लग रहा होगा क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, लेकिन है ये भी जेन्युइन ही। ये इसके ऊपर सब कुछ होंडा वगैरह का जो मेंशन है वो सब कुछ इसके ऊपर भी मेंशन है। तो यस कम टायर्ड है, ये सब ये जेन्युइन है। तो अब चलें इनको लगाते हैं और फिर यानी ये पहले इनको धो लेते हैं उसके बाद लगाते हैं, अभी गर्मी भी बहुत है, मैं कहता हूँ शाम को करेंगे। चले अभी एक का चेंज किया और हालत बुरी हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उनको शाम को करेंगे, अभी नहीं होंगे। बाकी सारे पड़े वहीं रख देते हैं, बहुत बहुत हालत ख़राब हो गई है एक मिनट के अंदर अंदर। कैसी लग रही, इतनी बुरी व्हील कैप से बगैर, मिट्टी भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ये देखें हाँ, ये भी साफ इनको करवा लेंगे अब, लेकिन बहुत बुरी लग रही है कसम से, अगर व्हील कैप्स ना हो जहर लगेगी पूरी। तो चले दूसरे लगाते हैं, दूसरे मैंने ज़रा साफ़ वगैरह करके रखे थे, दूसरे लगाते हैं और इनको ज़रा संभाल के रख लेते हैं। तो यार फाइनली व्हील कैप सारे चेंज हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये भी हो गया वो भी हो गया, ये जैक लगाया हुआ, जैक उतारना है बस, पुराने वाले ये पड़े हुए हैं। अच्छा आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे यार आपकी गाड़ी अगर टोटल जेन्युइन है तो आप अपनी गाड़ी की स्टेपनी निकाल के दिखाओ, उसके ऊपर जो टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है आप हमें वो दिखाओ निकाल के। तो मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ, पहले ये जो टायर लगे हुए, पहले मैं इनको आपकी इनकी दिखाता हूँ आपको। ये है इनकी 4018, मतलब 2018 का 40वां हफ्ता। तो ये उस टाइम ये टायर मैनुफैक्चर्ड है, तो लगवाए तो मैंने तकरीबन पता नहीं यार कितना टाइम हो गया, लेकिन अच्छी चल रहे हैं टायर। टायर ये भी नहीं कि बहुत अच्छे हैं, बस यानी नॉर्मल से हैं, ज़्यादा अच्छे भी नहीं और ज़्यादा बुरे भी नहीं हैं। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ निकाल के, ये सारा कुछ पहले सीमेंट लूँ, जैक वगैरह रख के वो पड़ी हुई है स्टेपनी, वो वायर्स जो हैं वो बैटरी की पड़ी हुई हैं, और आप जानते हैं ऑटोमेटिक कार है तो कभी बंद हो जाए तो यार ज़रूरत पड़ सकती है। मैनुअल को तो बंदा था कर के स्टार्ट कर सकता है, लेकिन ऑटोमेटिक को तो नहीं बंदा कर सकता। तो मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ, सिर्फ दो मिनट। मैंने जो स्टपनी है स्पेयर व्हील है वो जो मैंने बाहर निकाल ली है, तो मुझे उसके ऊपर कोई डेट तो नहीं मिली कि वो कब का मैन्युफैक्चर्ड है, लेकिन आप फिर भी उसका ये थ्रेड चेक कर सकते हैं, ये आप देख लें
तकरीबन अनयूज ही लग रहा है। तो ये जो इसके ऊपर स्टिकर हैं ये भी अभी तक लगे हुए हैं। बेसिकली जनरल का टायर है, तो मैंने पार्क व्हील्स पर पढ़ा था कि यानी जो ये मॉडल आया था जब उसके अंदर जनरल का टायर ही आता था, तो उसके ऊपर मुझे डेट तो नहीं मिली, सिर्फ ये स्टिकर मिला जिसके ऊपर 20 लिखा हुआ और ऐसा जिसके ऊपर कोई चीज़ नहीं लिखी हुई। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको इसकी दूसरी साइड दिखा देता हूँ। इसकी दूसरी यहाँ पे 17 लिखा हुआ है और ऐसा जिसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। ये है, ये P2Z2 लिखा हुआ है, P2Z2 लिखा हुआ है, इसका पता नहीं क्या मतलब है, लेकिन डेट इसके ऊपर नहीं लिखी हुई। फिर भी आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं, 2004 के हिसाब से बहुत अच्छी है। तकरीबन 20 साल होने वाले हैं गाड़ी को और इसका जो स्पेयर व्हील है इसकी अभी तक ऐसी कंडीशन। मैं आपको ट्रंक भी दिखा देता हूँ अंदर से, ये आप देख सकते हैं अंदर से पूरा जेन्युइन इसकी यानी जो सीलिंग है वो सारी हुई हुई है। ये जो वायर आपको नज़र आ रही है ये वूफर की वायर है, वूफर मैंने पहले लगाया हुआ था लेकिन उतार दी है, वो पता नहीं यार क्या मसला हो गया था, जल गया था या क्या था, एम भी उतार दिया, वूफर भी उतार दिए। तो लेकिन अब तो अगर दोबारा प्लान बना तो ज़रूर लगाएंगे इंशाल्लाह, एंड्रॉयड पैनल भी। और अच्छा, बेसिकली इसका जैक इस साइड में होता है या नीचे, पहले जब मैंने नहीं ली तो मुझे लगा पता नहीं इसका जैक है या नहीं है, तो मैं इसके लिए लाया था, जैक खरीद के लाया, लेकिन बाद में मुझे पता चला मैं ऐसे ही यानी डिग्गी की सफाई कर रहा था तो इसका जैक यहाँ पे लगा हुआ था, तो फिर मुझे पता चला इसका जैक यहाँ पे होता है। बेसिकली जो करोला थी मेरे पास पहले उसका जैक इधर साइड पे लगा होता था व्हील के साथ ही, लेकिन इसका यानी उन्होंने पता नहीं कहाँ पे छुपाया क्यों था, खैर अच्छी जगह थी यानी उसका टाइट किया हुआ था, हिलता नहीं था। चले इसको ज़रा अंदर डालते हैं, सारा पैक शेक करते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। यार सब कुछ पैक शेक हो गया, सारा काम हो गया, तो अब मैं आपसे 2-3 बातें करना चाह रहा था। पहली बात ये कि मैं प्रोजेक्ट कार क्यों ढूंढ रहा हूँ, मैं इसको क्यों नहीं तैयार करवा रहा, इसको क्यों नहीं मॉडिफाई करवा रहा, ये पहली बात। ये अभी तक टिल 2004, अभी 2022 चल रहा है, तो ये टोटल जेन्युइन है, इसका एक भी पीस या बम्पर कुछ भी इसका यानी जो है वो टच या शॉवर या कुछ भी नहीं हुआ, टोटल जेन्युइन है सारी, कुछ भी नहीं। इंटीरियर में भी आप देख सकते हैं सब कुछ जेन्युइन है, सिर्फ ये इसके ऊपर जो ये पोशिश हुई है ये मैंने दोबारा करवाई थी, जो इसके अंदर ओरिजिनल आता है तो ये वाला फैब्रिक आता है, ये इसके नीचे ऐसा ही है, इसको कुछ भी नहीं हुआ, वो भी नीट एंड क्लीन कंडीशन में। जो गाड़ी की माइलेज है वो 150,000 किलोमीटर है, मैंने जब ली थी तो ये 141 थी, तो सिर्फ 9,000 किलोमीटर मैंने चलाई है, उससे ज़्यादा नहीं चलाई, तकरीबन 1.5 साल हो गया। तो उसके अलावा ये आप रेडियो सिस्टम, ये सीडी प्लेयर देख सकते हैं, ये भी इसका जेन्युइन सोनी का लगा हुआ है, और ऐसा जिसकी ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब कुछ ये अभी तक इसकी जेन्युइन कंडीशन में, ये एसी के ये बटन्स और सब कुछ अपनी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है, इसके पावर विंडोज़ हर चीज़ यार। तो इसीलिए मैं इस गाड़ी को क्यों नहीं प्रेफर कर रहा, इसको हम कर सकते हैं मॉडिफाई, लेकिन हम इसके अंदर क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, इसको बॉडी किट लगवा सकते हैं, साउंड सिस्टम अपग्रेड कर सकते हैं, रैप करवा सकते हैं यार, इस तरह की यानी जो ब्यूटिफिकेशन की चीज़ें वो हो सकती हैं, जो बेसिकली जिसको स्टैंड कार कहते हैं या स्टैटिक कार कहते हैं, वो हम इसके साथ ऐसा कुछ पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि टोटल जेन्युइन है, वो बंदे का दिल नहीं करता। अभी बेसिकली मैं इसको बॉडी किट लगाने का सोचा था, अगर बैक बॉडी किट मैंने पूछा वो कहते हैं पेंट होगी, ये आपको अनपेंटेड मिलती है, तो मैंने कहा यार वो तो फिर बैक बम्पर पेंट हो जाएगा, तो बम्पर यानी वो पेंट नहीं करवाना चाह रहा मैं, तो मैं ये सोचा था कि हम कोई और गाड़ी देख लेते हैं, कोई यानी पुरानी सी ईजी या ईके 95-96 सिविक, तो अगर इसके साथ की भी मिलती है कोई वो भी देख सकते हैं हम, उसको हम प्रॉपर उसका डू ओवर करेंगे, उसको कंप्लीट जीरो से स्टार्ट करेंगे और उसका सारा पेंट डेंट और सब कुछ जो काम हो सके उसके साथ करेंगे। तो अभी इसको कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये जेन्युइन है, मैं इसके साथ कोई पंगा लेना नहीं चाह रहा, जैसी है इसको लोग देखते हैं कि भैया आपने जेन्युइन रखी है। मैं बेसिकली मैंने सेकंड हैंड ली थी, जिससे मैंने ली है उनके पास, ये जो वो फर्स्ट ओनर थे ये, तो बेसिकली मैं भी इसको रखना चाह रहा हूँ, इसको सेल में करना नहीं चाह रहा, क्योंकि जो ये जिस प्राइस में ही आती है उस प्राइस में और कोई गाड़ी नहीं आती, उसमें आपको ऑल्टो भी नहीं मिलती, VX जिसके अंदर AC भी नहीं है, ना पावर विंडोज़ है, ना पावर स्टीयरिंग, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, उस गाड़ी उसमें आपको ये मिलती है जिसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, पावर विंडोज़, सब कुछ यार मज़ा करवा देती है गाड़ी, तो फ़ायदा इसको सेल करने का। तो मैं ये सोचा था हम कोई प्रोजेक्ट कार ढूंढ लेते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सी लेनी चाहिए, ईजी या ईके, जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, कि इसकी जो ब्यूटिफिकेशन है, जो स्टैटिक है वो ज़्यादा अच्छी होगी, तो हम वो गाड़ी ले लेंगे और देखते हैं। तब तक हमारे साथ रहें, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।